तरह का ये काम हो रहा है साफ का पर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं एहसास कफालत प्रोग्राम मीरपुर सेंटर पे आज आया था और यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि आवाम को जो परेशानी है या किन मुश्किलात का सामना है। तो आज मैंने यहाँ पे, मुझे ये खुशी हुई कि आज से 20-25 दिन पहले मैंने घोटकी का सेंटर विज़िट किया था, तो वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ थी, काफ़ी परेशानियाँ थी। तो वहाँ पे जो सेंटर इंचार्ज थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी कराई कि अब जो है ये काउंटर्स भी हम जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह का कोई भी इशू नहीं होगा अवामी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए। तो यहाँ पे आज मैं आया हूँ मीरपुर में, तो यहाँ पे मैंने देखा है बड़े अच्छे तरीके से और बड़े साफ शफाफ तरीके से, ऐसी कोई बात मैंने नोट नहीं की। मैंने जहाँ पे भी मैं एहसास सेंटर्स पे गया हूँ वहाँ पे मुझे पहले तो ये शिकायत सुनने को मिली कि वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने पहले भी जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया था कि इस चीज़ को मैंने खुद भी नोट किया, खुद भी देखा कि वहाँ पर कोई ऐसी शिकायत मुझे नहीं मिली कि एहसास सेंटर में किसी ऑफिसर ने, किसी अमले ने किसी भी हमारी लेडी से या किसी से भी, किसी बहन से जो है वो पैसे वसूल करने की ऑफ़र भी की है। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस है वो जो एज़ पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना है सब ने। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि घोटकी ज़िला जो है जिस तरीके से काम चल रहा है सिंध में, इंशाल्लाह जो है वो हम बहुत ही साफ शफाफ तरीके से, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, नाइक साहब हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो इंशाल्लाह उनकी मेहनत से, हमले की मेहनत से और हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के जो विजन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम घोटकी में इंशाल्लाह 75,000 प्लस जो है वो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड या जनवरी के मिड तक इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे।